अस्सलाम वालेकुम चाचू वालेकुम असलाम। चाचू जी, जरा देखने वाले बंदे नु अपना नाम दसो। मेरा नाम है राणा इशफाक अहमद उर्फ फाका, फाका पहलवान रुस्तमे मुल्तान। जी जी, मैंने जो इब्तदा में पहले चक नंबर के फैज जनूबी में प्राइमरी स्कूल में तलीम हासिल की, उसमें आला तलीम हासिल करने के लिए मैं लाड़ में चला गया। उसके बाद मैं मुल्तान में आला तलीम हासिल की यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैंने गेमिंग स्कूल की तरफों खेलता रहा, क्रिकेट वगैरह खेली। उसके बाद मैंने इंटरनेशनल लेवल में आकर कुश्ती वगैरह और कबड्डी वगैरह खेलता रहा हूँ। और काश्तकारी का भी मुझे बहुत बचपन में ही बहुत शौक़ था। और मैंने मक्की और गंदम और पटाटो वगैरह मैंने काश्त की। और गंदम की जो फसल मैंने उठाई वो तकरीबन 70-75 मन एकड़ में, और जो ये मक्की की फसल है 125 मन एकड़ निकाली है। और इलाके में पहले नंबर में मेरी पोजीशन हासिल हुई है। और मैं जो यहाँ के लोग हैं हमारे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और काश्तकार हैं। और मेरा भतीजा वो फैज़ रसूल है, वो बड़ा मेहनती है। और इसके बाद मेरे कज़न है यामीन मीना, वह भी बहुत ज़्यादा काश्तकार है। हमारे इलाके में हमारे जो बरादरान हैं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। हाँ, तो और ये देखो, बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, तुसी लोकां नूं अपनी गल्लां तों गल्लां नाल सहराब कीता। हुण तुसी सानूं अपनी जिंदगी दा कोई खतरनाक वाकया सुनाओ, अपने चंद अल्फाजां दे नाल लोकां नूं जरा इंटरटेन करो जी। मुख्तसर मैं ये कहता हूँ, अपने उस्ताद की इज्जत करें और इस्तराम करें। और उस्ताद कोई खतरनाक ये ख़तरनाक ये वाकया है। मेरा उस्ताद है जो अल्लाह बख्श, ये करीब ही है हमारे गांव के उस्ताद अल्लाह बख्श कोके वाला, उनके साथ कोई थोड़ा सा झगड़ा हुआ। झगड़ा जो कि इलाके के एमपीए के साथ, एमपीए साहब ने पूरे इलाके गांव के इलाके के आदमी को इकट्ठा किया। अच्छा जी। वो अचानक मेरे पास आ गए, मैंने उनका साथ दिया। मैं 1200 आदमी थे, मैंने अकेले उस्ताद की इमदाद की, हेल्प की, और माशाल्लाह उस्ताद का इस्तराम किया। मैं अपनी जान भी दे देता तो मुझे कोई अरमान नहीं था, क्योंकि उस्ताद की खातिर हमारी जान भी हाजिर थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। ये तो उस्तादों के लिए तो हमारी जानें भी कुर्बान है। अच्छा चाचू जी, ये बात हमें बताएं, कोई ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश रह गई हो, कुछ करने का दिल करता हो, मौका नहीं मिला, वो कुछ बताएं। अब तो ख्वाहिश यही है, मस्जिद मल लूँ और मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ूँ, और दूसरों बच्चों को भी यही तरबियत दूंगा भी नमाज लाजमी है। नमाज हर चीज़ छूट जाएगी लेकिन नमाज नहीं छूटेगी, ठीक है ना। और माँ बाप का भी अदब करो और छोटों से प्यार करो और नमाज को 5 लगा। और मैं ये भी कहता हूँ, तहज्जुद की नमाज भी अदा करो, ये अल्लाह ताला आपको बख्शे, यही बख्शिश है इंसान के लिए। आखिरकार ये इसने जवाब देना है आपको, ठीक है ना बेटो। नमाज लाजमी पढ़ने चाहिए। ये बच्चे आजकल जो लूस मार रहे हैं ना, इनको लूस नहीं मारने चाहिए, ये टाइम अपना ज़ाया कर रहे हैं। इनको चाहिए नमाज पढ़ें पढ़ें और बड़ों का अदब करें, वो बुरे कामों से बचें। हाँ अच्छा जी, आपके आपकी जवानी होगी, कोई टाइम होगा जवानी थी। जी जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरी ये थी जवानी, आपको पहले बता रहा हूँ। ये कुश्ती वगैरह मैंने खेली है, गेम वगैरह खेली, इंटरनेशनल लेवल पर खेली हुई है। और ये यहाँ के जो बड़े बड़े प्लेयर थे उनके साथ लड़ा हूँ। कुछ गेमें गिराई हैं, कुछ गिरा हूँ, कुछ बराबर हुई हैं। अच्छे अच्छे प्लेयरों के साथ लड़ता रहा हूँ मैं। जी सर। अच्छा हमें ये बताएं, आपने जवानी में कभी किसी से मोहब्बत की होगी शादी से पहले, कुछ इस तरह का सीन लड़कों को बताएं आजकल के यंग जनरेशन। जी ये मैंने ये प्यार किया, ये मोहब्बत की है, ये मैंने गरीब का साथ दिया। मुझे यही मोहब्बत है, गरीबों के साथ मोहब्बत करें और प्यार करें, हैं गरीबों का साथ दें और बुरे आदतों से बचें आप। बिल्कुल जी बिल्कुल, हम आपसे इजाज़त मांगते हैं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपका थैंक यू, शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। आपको बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने जो हमारा इंटरव्यू लिया है आवाम के सामने, और आपको ये बता रहा हूँ, आपको ये बच्चों को ये बताना, बुरे आदतों से बचे। और गेम एक ऐसी गेम है जो कि बुराई से बचाती है इंसान को, और बच्चों को भी बुराई से बचाती है। माँ बाप को भी चाहिए और थोड़ा सा वक्त बच्चों को गेम की तरफ से तवज्जो करें। मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।